हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय बाबा लक्ष्मी माँ। मैंने इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने बोला हुआ था कि मैं किस शुक्रवार के व्रत करूँगी बाबा लक्ष्मी माँ के, और अब इनकी तबीयत ठीक है तो जो मैंने बोला था मैं उसे पूरा करूँगी। आज से मेरा पहला शुक्रवार का व्रत शुरू होता है। अब जब 21 शुक्रवार हो जाएंगे, 21 शुक्रवार पर उद्यापन करके, पूजा करके, उद्यापन करके व्रत सफल। थैंक यू भगवान। तो ये व्रत मैं अपने हस्बैंड के लिए कि लंबी उम्र, अच्छी सेहत, इस सब के लिए मैं कर रही हूँ। जय बाबा लक्ष्मी माँ। आज से आपके मैंने व्रत शुरू करे हैं। 21 शुक्रवार के व्रतों का मैंने प्रण लिया है कि मैं 21 शुक्रवार के व्रत करूँगी, और आज मेरा पहला शुक्रवार है। जय बाबा लक्ष्मी माँ। बच्चों को भेज दिया स्कूल और मैंने पूजा करी है, पानी डाल के आ गई हूँ। अब बैठूँगी आराम से और पीऊँगी चाय। आज खाना नहीं खाऊँगी, शाम को खाऊँगी खाना, और दोपहर को होती है इसकी पूजा 4 बजे के आसपास। वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ ये वाले, मेरे ब्लॉग में पहले भी है ये, जब मैं पूजा करती थी उद्यापन भी करा उसमें हुई है, तो मैंने अब दोबारा स्टार्ट कर दिया है। जय बाबा लक्ष्मी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि व्रत हो जो मर्जी हो, खाना ना मिले कोई बात नहीं, चाय चाहिए। लेकिन हाँ, बीच में मेरी चाय थोड़ी सी छूट गई थी, मतलब इनको इनके उसमें इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि चाय की मैं भूल ही गई कि मैं चाय पी नहीं पी। ऐसा भी होता है, तुम्हारी जो भी चीज़ कहते ना बहुत अच्छी है, वो मैं सोचती थी मैं चाय कभी छोड़ नहीं सकती, लेकिन इनके उसमें मैं चाय भी भूल गई। अपने लिए चाय, और अब ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब इन्होंने कहा है कि अब मैं एक्सरसाइज रेगुलर करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, मैं ज़्यादा करूँगी थकान होगी, इसलिए आज मैंने रेस्ट करा है। अब ये कर रहे हैं एक्सरसाइज और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। गुड गुड। अब यहाँ पर मेरी चाय बनके हो जाएगी तैयार। ये तो चाय नहीं पियेंगे, इन्होंने चाय छोड़ दी है, इनके लिए मैं चाय बनाती हूँ दूसरी, और मैं आज वो दिखाऊंगी आपको। वाली चाय पीने से पेट एकदम साफ रहता है। जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो इनको थोड़ा फ्रेश होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी इनके लिए, काफ़ी सारी नहीं, 2 चीज़ें करी थी, उससे काफ़ी आराम मिला था। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये मेरे नुस्खे अपना सकता है। तो ये दादी नानी के, हम भी बड़े हो गए अब। आज मैं दिखाऊंगी मैं इनके लिए भी क्या क्या करा मैंने, जो कि थोड़ा सा रिलीफ लगा इन्हें काफ़ी। करो करो, शाबाश। मेरी चाय बनके आ गई है और मैं अब पी रही हूँ चाय। आप भी चाय पियो मेरे साथ, चाय का मजा लो। सुबह सुबह चाय पीने का अलग ही मजा है, और जब व्रत हो उस टाइम पर तो और भी मज़ा आता है चाय पीने में। मिठी नहीं है, अपने आप चाय बनाई है, लेकिन अच्छी बनी है मेरी भी। और आज के दिन कहते हैं ना कुछ नहीं खाते, लेकिन एक चीज़ खा सकते हैं, लेकिन बीज तो मैं खा सकती हूँ। ये बीज है मेरे, इसे मेरा आज टाइम पास होगा पूरा के पूरा, आधे ज़्यादा खा चुकी। 7 किलो खरबूजे लेकर आए थे, उसमें से इतने से बीज निकले, मतलब मैं खा चुकी हूँ। अगर ये ना मैं एक दिन में पूरा ख़त्म कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बहन ने मुझे 1/2 किलो खरबूजे के बीज दिए थे, 2 दिन लगे बस उसे खाने में, सारे ख़त्म कर दिए A to Z। तीसरे दिन फिर वही, बल्कि वो मेरे से कह रहे थे कि तेरे चल जाएंगे, 3-4 महीने आराम से खाएगी तुम धीरे धीरे। 2 दिन, बस 2 दिन। इतनी एक्सपर्ट हूँ ना उसे खाने में, सबको फेल कर सकती हूँ। हाँ, कोई कॉम्पिटिशन कर ले बीज खाने का, लगता है मैं जीतूँगी। बाकी मैं तो खुद लेकर आती हूँ, तो ये कम पड़ जाते हैं मेरे भी। 1 किलो भी बीज कोई दे देना, वो भी मेरे कम है, तो जितना आ जाए उतना कम होता है ना, तो मेरे साथ बीजों का यही हिसाब है। इतनी क्रेजी हूँ मैं, सबको पता है, और सब देते भी रहते हैं। Later. ये छोटी चम्मच है टी की, ये मैंने 1/4 चम्मच लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसी में ही पानी डाल दूँगी,
और इसको रात भर भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। चौथाई चम्मच अजवाइन है ये, रात को भिगोना भूल जाओ कोई बात नहीं, सुबह 10 मिनट पहले भिगो दो और फिर इस पानी को इतना उबालो कि ये आधा रह जाए। फिर उसके बाद इसमें चुटकी भर काला नमक डाल के रखना है। तो अभी तो भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ, अभी रात भर भीगेगी। ये पानी मैंने रात भर भिगो के रखा था, 1.5 कप के आसपास पानी है और मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और इसको कर दूँगी अब बॉयल थोड़ा सा मीडियम हीट पे। और जब ये आधा रह जाएगा ना इसका, उसके बाद मैं चुटकी भर काला नमक डाल के छान कर, चाहे तो छान कर, चाहे इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ये सुबह सुबह खाली पेट करना है, सुबह उठते ही इसको ले लो, उसके बाद 15-20 मिनट आपको बस लगेगा और फ्रेश हो जाओगे अच्छी तरीके से। ये पेट को साफ करने की बहुत अच्छी दवाई है। आजकल यही इनको मैं दे रही हूँ, मतलब लगा लो एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जब से मैंने देना स्टार्ट करा है तो इनका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। और एक चीज़ और है, सौंफ की चाय। अजवाइन का पानी हो चुका है, एक्सरसाइज भी कर ली अपनी, गैस करते हैं बंद क्योंकि अब आधा रह गया है अजवाइन का पानी। और इसको डालती हूँ अब मैं कप में, पूरा कप करा था और ये आधा रह गया, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और ये कर चुके हैं एक्सरसाइज, ये लो, ठीक है, गर्म है। शुक्रिया जी, धन्यवाद, वेलकम। के लिए मैंने खाना भी तैयार कर दिया है, इसमें दाल में मैंने रोटी भिगोई है, अभी ये भीगी हुई रोटियां ही खा रहे हैं, कह रहे थोड़ा सॉफ्ट हो गए हो जाएगा तो मैं वैसे ही खाऊंगा जब तक थोड़ा सा डॉक्टर नहीं बोलता, डॉक्टर ने बोला है रोटी को भिगो के ही खाओ, तो मैंने दाल में रोटी भिगो रखी है। और ये रहा इनका खाना, अब इनको खाना दूंगी। ये रहा इनका खाना, अब इन्होंने नहा धो के एक्सरसाइज करके ये लो खाना तैयार, पेट हुआ साफ। थैंक यू जी, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया, अब खाना खा लो, उसके बाद बनाऊंगी तुम्हारे लिए ग्रीन टी सौंफ की चाय। अजवाइन का पानी इनको सुबह दे दिया है, खाली पेट अजवाइन का पानी लिया इन्होंने और अब खाना वाना ये खा चुके हैं। और अब मैं बना लूँगी इनके लिए सौंफ की चाय, सौंफ की चाय जो पेट को ठंडा करती है। अब ये खाना खा रहे हैं, 10 मिनट के बाद बनाऊँगी, जब ये खाना खा के हट जाएंगे उसके बाद बनाऊँगी ग्रीन टी, तो उसे क्या होगा पेट को आराम देगी वो। मैं इनकी डॉक्टर हूँ, आज मैं नहीं पीऊँगी तो बस इन्हीं के लिए कर रही हूँ। एक गिलास पानी लिया है मैंने, एक गिलास पानी डाला इसमें और इसी में डाल दूँगी, ये टी स्पून है, 1 टीस्पून सौंफ। अब इसको चढ़ा देती हूँ बॉईल करने के लिए, ये थोड़े मीडियम हीट पे करना है इसको, ज़्यादा तेज नहीं करना, मीडियम पे 5-1 मिनट पकेगा ये। और जब ये आधा रह जाएगा ना, ये गिलास है, इस गिलास का आधा रह जाएगा तब इसमें गुड़ डाल देंगे। तो अभी तो ये उबलेगा, सौंफ का पानी भी उबल चुका है और इसमें अब मैं डालूँगी ये छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। ये बन गई हमारी हर्बल टी, ये पेट को साफ करती है, गुड़ भी पेट को साफ करता है, जिसको जलन हो पेट में, पेट सही से साफ ना हो तो इसे पियो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पियो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये अब मेरी उबल गई है, इसको करती हूँ बंद और अब मैं इसको, गुड़ भी मेल्ट हो चुका है इसके अंदर और अब इसको छान लेती हूँ। ये बन गई सौंफ की चाय, तुम्हारी चाय तैयार है, ये लो। थैंक यू जी, सौंफ की ग्रीन टी। और मैं कौन हूँ? ये तुम हो मेरी डॉक्टर, मेरी वाइफ नहीं ठीक है मुझे आधे से ज्यादा, तो मैं इनकी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर। बहुत बढ़िया चाय है, ग्रीन टी है एक्चुअली, ये लो 1000 रुपए, अभी पी लूँ फिर उससे दे दो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और आज से मैंने वैभव लक्ष्मी की पूजा स्टार्ट कर दी है, मतलब व्रत शुरू करे थे तो अब ये शाम का टाइम है और ये मैंने पूजा भी कर ली है। ये नीचे चावल हैं, ऊपर कलश में पानी है, फिर है चांदी का सिक्का, माता रानी की फ़ोटो, फूल हैं और धूप जला रखी है, यहाँ पे दिया जला रखा है, ये और आरती बोली है भगवान जी की, कथा कर ली है। अब चलते हैं ऊपर चिड़ियों को चावल देने और तुलसी माँ को पानी देने। और ये प्रसाद है, मैंने किसी का भी प्रसाद बना सकते हैं, चाहे तो चूरमे का चाहे फिर ये मैंने चीनी है निकाली, थोड़ा सा उसी का बनाया है
तो अब मेरी पूजा हो गई है और अब चलते हैं ऊपर पानी देने। बच्चे स्कूल से आ गए थे और बच्चे सो गए हैं स्कूल से आके, क्योंकि 4 बजे की पूजा है और बच्चे थक गए थे। मैं सोची थी बच्चों को बिठाऊंगी लेकिन बच्चों को नींद आ गई, अब वो दोनों सोए पड़े हैं, मतलब दोनों नहीं तीनों ही सोए पड़े हैं। और मैंने अपनी पूजा भी ख़त्म कर लिया, अब चलते हैं ऊपर चिड़िया को और चिड़िया को चावल और तुलसी माँ को पानी देने। पहला व्रत हो गया मेरा कंप्लीट, अभी तो पीऊँगी चाय थोड़ी सी, शाम को बनाऊँगी खाना। तुलसा जी में जल डालते हैं। ओह जय माता रानी। और चावल डालते हैं पक्षियों को, चावल भी एक साथ डाल देती हूँ, पक्षी आके खा लेंगे। इस पूजा में ये पूजा ऐसे ही होती है, चावल की, चावल पक्षियों को दे देते हैं, पानी गमले में डाल देते हैं तुलसा जी को। अब चलते हैं नीचे, आगे नीचे अब पियेंगे चाय। शाम का टाइम हो गया है, 4:30 हो गए, आधा घंटा लगता है पूजा करने में। चाय भी बन के तैयार है मेरी, चाय लाइयो बना के, बच्चे तो सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, अब मैं चाय पी जाऊँ अकेले अकेले। बस हो गया व्रत, तो अभी चाय एंजॉय करते हैं। अब हो गया मेरा भी खाना तैयार, भगवान को भोग लगा रही हूँ। ये तोरे की सब्जी है, ये पराठे हैं, इसी का भोग लगाऊंगी भगवान जी को। जय माता रानी, जय माता रानी। पूजा भी कर ली है और भगवान को भोग भी लगा दिया है। ये मेरा खाना बन के तैयार है, मैंने बनाए हैं पराठे और ये है तोरई, बिगना लहसुन प्याज अदरक की कुछ नहीं है, बस जीरे का छौंक लगाया है इसमें। और ये साथ में है खरबूजे और कुकुम। अब खाना खाती हूँ।